अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू रिव्यू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इस गाड़ी का मैं आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आया हूँ, जो कि किया की E5 है। जिस तरह कि आप सबको पता है कि काफ़ी सारी जो कि मार्केट में EV आई हुई हैं, जिस तरह दीपाल हो गई, MG हो गई, उसी तरीके एक और गाड़ी जिस तरह की किया ने लॉन्च की है EV5, इसके बारे में मैं आज आपको रिव्यू दूंगा। इसके अंदर भी दो वेरियंट हैं। जिस गाड़ी का मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ, ये टॉप ऑफ द लाइन है, और इसकी जो कि मैं बल्कि आपको एंड में बता दूंगा इसकी एवरेज बैटरी एवरेज क्या है, मगर यह है कि इसके अंदर दो वेरिएंट हैं। एक की जो कि एवरेज है वो 620 किलोमीटर है एक चार्ज के अंदर, और दूसरी है उसकी है जो कि अराउंड अबाउट 400 प्लस उसकी जो कि एवरेज है। आज इस गाड़ी का हम रिव्यू कर रहे हैं, ये 620 वाली मतलब टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसका रिव्यू करेंगे, इसकी प्राइस, इसकी एवरेज, ईच एंड एवरीथिंग, इसके फीचर्स आपको बताऊंगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना ना भूलिएगा। तो जहाँ तक इसके फ्रंट प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, इसके फ्रंट प्रोफाइल के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा अच्छे फीचर हैं, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसकी जो कि फ्रंट हेडलाइट के बारे में बता दूं। इसके अंदर जो कि DRL का ऑप्शन मिलता है, ये टोटल आपको ये DRL इसकी लाइट मिल जाती है, और इंडिकेटर के लिए आपको ये अपर साइड पर जो है ये लाइट आपको इंडिकेटर के लिए मिल जाती है। यहाँ पर आपको हेडलाइट, हाई लो, बीम वगैरह यहाँ पर मिल जाती हैं। फ्रंट की ग्रिल के अंदर आप देख सकते हैं, बंपर के अंदर आपको जो कि पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन मिल जाता है फ्रंट पे, और इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो कि कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, ये फ्रंट का कैमरा है। अच्छा, इसके अंदर एक और आपको मैं बड़ी मज़े की चीज़ दिखाऊं, इसके थोड़ा सा आपको नजदीक लागे अंदर, अगर ग्रिल के अंदर आपको नज़र आ रहा हो ये जो कि ग्रिल बनी हुई है, ये ग्रिल फिलहाल आपको क्लोज लग रही है। तो इसके अंदर ये सीन है कि जैसे ही आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे, अनलॉक कर जिस तरह ड्राइव करेंगे, ये ऑटोमेटिक ग्रिल्स ओपन हो जाएंगी। मतलब दूसरी किसी गाड़ी में अभी तक ये फीचर नहीं आया। जैसे आप इसको लॉक करेंगे, ये ऑटोमेटिक आगे से जो कि इसके रेडिएटर की और जितना भी है उसको कवर कर लेती है, ताकि कोई चीज़ अंदर ना जाए। तो ये इसकी फ्रंट प्रोफाइल थी, सेंटर में बल्कि आप इसके बोनट की दिखा दूँ। यहाँ पे आपको किया का जो कि लोगो और फ्रंट बोनट की आप शेप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा फ्रंट बोनट भी और इसकी फ्रंट प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक है, अभी तक जितनी EVs हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। यहाँ तक इसकी साइड प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में काफ़ी ज़्यादा जो कि ऐसे फीचर्स हैं जो कि अभी तक EVs के अंदर नहीं है। तो आप साइड से हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी साइड प्रोफाइल में सबसे पहले आपको जो इसकी यूनिक चीज़, सबसे ज़्यादा यूनिक चीज़ इसकी जो कि अलॉय व्हील्स लगेंगे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। ये टू टोन में आपको जो कि इसके अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं। ये वाला जो कि पार्ट, ये टोटल आपको जो कि स्टील में मिलेगा, ये जो अंदर वाला ये प्लास्टिक का कवर है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये आप इसको निकाल भी सकते हैं। ये सारा जो कि इसके अंदर अंदर वाला पार्ट है, ये आपको पैनो ब्लैक के अंदर मिल जाता है, और इसके अंदर जो कि आपको टायर साइज मिलता है, ये 235/55 R19 का, जो कि 19 इंचज़ का आपको इसका जो कि टायर मिलता है। उसके अलावा इसकी साइड प्रोफाइल के अंदर आप ये देख सकते हैं, पूरी जो कि आउटलाइनिंग इसके जो कि ब्लैक पियानो ब्लैक के अंदर हुई हुई है। और एक और बड़ी मज़े की चीज़ जो कि मैं आपको बता दूं कि EV के अंदर सबसे पहली EV जो मैंने अभी तक देखी है, तो ये देखें आप, जिस तरह इसको प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। अच्छा, इसको क्लोज करने के लिए आपको ये नहीं करना पड़ेगा। तो ये चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं AC DC आपको चार्जर्स के लिए यहाँ पर पोर्ट्स मिल जाती हैं, और इसके अलावा ये देख सकते हैं आपको यहाँ पर क्लोज़ करने के लिए साथ यहाँ बटन मिलता है कि ऑटोमेटिक ये बटन हो जाएगा। जो कि व्यू मिरर्स की बात कर लें, यहाँ पे आपको जो कि आपको दिखा दूँ, रिट्रैक्टिवल के अंदर मिल जाता है बॉडी टोन में, और साथ ही इसके अंदर ये देख सकते हैं सिल्वर के जो कि स्ट्रिप्स यूज़ किए गए हैं, ये आपको मिल जाते हैं, जो इसकी खूबसूरती के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। और साथ ही इसके अंदर 360 कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये दिखा दूँ कि आप इसके जो कि विंडोज़ हैं ये देखें, इसके ऊपर आउटलाइनिंग पियानो ब्लैक की हुई है। जहाँ तक इसके डोर हैंडल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको जिस तरह दीपाल के अंदर आपको ये फीचर मिलता है, उसी तरह इसी के अंदर, क्योंकि किया EV5 के अंदर आपको ये फीचर मिल जाता है। इसके अलावा अगर इसकी आप साइड कट्स देखेंगे, यहाँ पे किट्स जो कि इंस्टॉल की गई हैं पियानो ब्लैक और इसके अलावा सिल्वर कलर में, तो ये इसकी साइड कट्स में, मतलब इसके फ्रंट में भी, इसके अलॉय व्हील्स में भी, मतलब टोटल जो कि इसका थीम रखा गया है वो सिल्वर और ब्लैक का रखा गया है, जो कि इसकी गाड़ी की बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना रही है प्रोफाइल को भी। उसके रेयर साइड में भी आए तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये छोटी सी एक जो कि स्ट्रिप दी गई है, जो कि इसकी साइड प्रोफाइल को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक दे रही है। की की बात कर लेते हैं, इसकी की के अंदर आप देख सकते हैं काफ़ी यूनिक डिज़ाइन में, यहाँ पे आपको किया का लोगो, यहाँ पे पुश स्टार्ट कहते हैं सर, इंजन स्टार्ट हो गया, उसके अलावा बूट ओपनर, ट्रंक ओपनर, लॉक अनलॉक, ये आपको इसके अंदर बटन मिल जाते हैं, और जो कि आपकी की देख सकते हैं आपको इस तरीके की मिल जाती है। जैसे आप इसको, अच्छा एक मजे की चीज़ दिखाऊँ, अगर आप इसको लॉक करेंगे ये ऑटोमेटिक क्लोज हो गए, इसके ये बैक मिरर भी हो रही है, जैसे आप अनलॉक करेंगे ऑटोमेटिक बाहर आएंगे। तो इसके अंदर मैं आपको अब दिखा दूं इसके इंटीरियर इसका किस तरीके का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इसके डोर्स के आपको दिखा दूं फीचर्स, यहाँ पे देख सकते हैं आपको डोर्स के अंदर इसकी मेमोरी सीट्स, इसके हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स के ऑप्शन आपको यहीं पे मिल जाते हैं। उसके अलावा इसके जो कि डोर हैंडल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन में है, और इसके अलावा नीचे आप देख सकते हैं जितने भी विंडो के कंट्रोल हैं, बैक व्यू मिरर, विंडोज़, अनलॉक, लॉक, चिल्ड्रन लॉक ऑप्शन, वो सारे आपको यहीं पर मिल जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं इसके इंटीरियर की तरफ आपको ले जा कर दिखा दूँ कुछ चीज़ें। इंटीरियर के अंदर
जहाँ तक इसके इंटीरियर की फीचर्स की बात कर लेते हैं, इंटीरियर के फीचर्स के अंदर आपको दिखा दूँ, यहाँ पे आपको एक एयरवेंट लेफ्ट साइड पे, दो आपको सेंटर में और एक आपको लेफ्ट साइड में मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील की बात कर लें, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है, जिसके अंदर आपको जो कि मल्टीमीडिया कंट्रोल, क्रूज़ कंट्रोल और काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं इसके। इसके अलावा इसके अंदर पैडल शिफ्टर का ऑप्शन मिल जाता है आपको। और एक और चीज़ दिखाऊँ कि जहाँ तक इसकी गियर नॉब की बात है, वो आपको यहाँ स्टीयरिंग के बिल्कुल नीचे वाली साइड पर आपको मिल जाएगा, और पुश स्टार्ट का बटन भी आपको यहीं इसके अंदर मिल जाता है, PR&D जो कि इसके अंदर मोड्स हैं। और इसके अलावा मोड चेंज करने के लिए आपको यहाँ ड्राइव मोड स्टीयरिंग व्हील के अंदर ही मिल जाएगा, एक एयर बैग आपको सेंटर में और एक आपको फ्रंट डैशबोर्ड के अंदर भी मिल जाता है। इसके अलावा टोटल आपको जो कि डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है। डिजिटल डिस्प्ले के बाद मैं आपको यहाँ पे इसका सेंट्रल यूनिट दिखा दूँ कुछ। सेंट्रल यूनिट के अंदर आपको सारे कंट्रोल मिल जाते हैं, क्लाइमेट कंट्रोल्स के ऑप्शन मिल जाते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको यहाँ यूएसबी तो इसके अंदर नहीं है फिलहाल, इसके अंदर सी टाइप जो कि चार्जिंग का ऑप्शन है। और उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं सिगरेट लाइटर का ऑप्शन मिल जाता है। और एक यहाँ पे चीज़ देखने, यहाँ आप 3 किलो तक इसके ऊपर मैक्सिमम जो कि वेट लटका सकते हैं। उसके अलावा नीचे देखें, यहाँ पे आपको 360 जो कि कैमरे के ऑप्शन, पार्किंग और इसके अलावा हिल डाउन, उसके अलावा इसके साथ ही नीचे देखेंगे आपको वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। अच्छा, एक और चीज़ बड़ी इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे देख सकते हैं आपको एक तो आर्मरेस्ट हो गया, उसके अलावा अगर आप इसको ऊपर की तरफ कर देंगे तो ये किसी बच्चे के लिए भी सीट बन गई है, तो ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके अलावा हम चलते हैं इसके जो कि ग्लव बॉक्स की तरफ, ग्लव बॉक्स स्पेस के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आपको बड़े यूनिक स्टाइल में एक साइड पे बटन दिया गया, यहाँ पे आपको कुछ यूनिक इसकी यूनिकनेस मिल जाएगी। उसके अलावा इसके फ्रंट जो कि कैबिन की लाइट्स की बात कर लें, फ्रंट कैबिन की लाइट यहाँ पे देख सकते हैं हम, ये कहाँ से होगा, अच्छा जी यहाँ पे जनाब साहब, इसके अंदर ये आपको कुछ लाइट्स के ऑप्शन इस तरीके के मिल जाते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह के इसके अंदर पैनारोमिक सनरूफ आपको मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर, जो कि इस गाड़ी के अंदर अच्छा ऑप्शन है। तो बाकी विजिबिलिटी अगर इसके आप सामने देखेंगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त जो कि इसकी विजिबिलिटी मिल जाएगी। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात कर लेते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल आपको जो कि डिजिटल जो कि डिस्प्ले मिल जाता है, जहाँ तक आप जहाँ पे ये ऑप्शन फिलहाल आपको दे रहा है कि रिमोट अंदर नहीं है गाड़ी के अंदर, इसलिए इसके अलावा बल्कि आपको यहाँ नीचे दिखा दूँ इसकी बैटरी की परसेंटेज, इसका टेम्परेचर और जहाँ कितने किलोमीटर आपको, सारे जितने टोटल ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके अलावा क्लाइमेट कंट्रोल्स के आपको ऑप्शन जो कि सेंटर में मिल जाएंगे, और यहाँ भी देख सकते हैं जो कि इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि इसके डिस्प्ले मिल जाता है, इसके अंदर भी आपको हर एक चीज़ का ऑप्शन मिल जाता है जो कि आप स्टीयरिंग से भी कंट्रोल कर सकते हैं और आप यहाँ नीचे से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहाँ तक इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात कर लें, जिसमें 5 सीटर गाड़ी है, आपको इसकी जो कि फ्रंट कैबिन की मैं आपको स्पेस दिखा देता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बल्कि इसके अंदर मैं आपको पहले बता दूँ इसकी सीट्स के बारे में। टोटल आपको जो कि लेदर सीट्स मिलती हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, और नीचे जहाँ पर आप देख सकते हैं लेग रेस्ट के लिए भी आपको नीचे एक पोर्शन मिल जाता है, जिसको आप ये चेक करें, ऑटोमेटिक आप इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल कर सकते हैं। तो जहाँ तक इसकी सीटिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, हीटेड भी और वेंटिलेटेड सीट्स आपको मिल जाती हैं, दोनों मसाजर सीट्स भी आपको इसी के अंदर जो कि ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं इसको अपनी हाइट के मुताबिक एडजस्ट कर लेता हूँ, ये होगी मेरी हाइट, थोड़ी सी पीछे रखूँगा और बैक रेस्ट को मैं अपने जो कि हाइट के मुताबिक ये एडजस्ट कर लेता हूँ। तो ये जनाब ये देख सकते हैं मेरे पास जो कि हेड रूम कुछ इतना बच रहा है, और लेग रूम अगर मैं थोड़ी सी बल्कि पीछे करके चलाता हूँ, मैं इतने घुटने ऊपर नहीं चढ़ाता, तो यहाँ पर आपको जो कि इसके फ्रंट कैबिन की स्पेस मिल जाती है। सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सीट्स के अंदर भी आपको जो कि एयर बैग्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये है इसके फ्रंट कैबिन की स्पेस, और चलते हैं इसकी जो कि रेयर कैबिन है इसकी तरफ। तो रेयर कैबिन की स्पेस के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने अपनी हाइट के मुताबिक इसकी जो कि फ्रंट सीट्स की एडजस्टमेंट की थी, उसके बाद भी आप देख सकते हैं मेरे पास लेग रूम काफ़ी ज़्यादा बच रहा है और हेड रूम भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा बच रहा है। इसके अलावा इसकी गाड़ी के अंदर मैं आपको और कुछ फीचर्स हैं जो कि मैं आपको खुद दिखाता हूँ, ज़रा कैमरा मुझे दिखाएंगे तो मैं आपको यहाँ से दिखाऊँ कि इसके जो कि रेयर साइड पर आपको कुछ फीचर्स मिलते हैं। तो वो यहाँ देख सकते हैं आपको जो कि एयर विंड आपको यहाँ पर मिल जाती है साइड्स पर, जिस तरह कुछ गाड़ी जिनको सेंटर में मिलती हैं इसके आपको पिलर्स के अंदर मिल जाते हैं। उसके अलावा ये सी टाइप जो कि चार्जिंग केबल्स के लिए ऑप्शन एक यहाँ पे मिल जाता है, एक आपको यहाँ लेफ्ट साइड पे मिल जाता है। उसके अलावा ये आपको जो कि पैसेंजर साइड के बैक साइड पे मिल जाता है। उसके अलावा ये देख सकते हैं इसके अंदर ये आपको जो कि एक फीचर मिल जाता है, यहाँ पे इसको आप ट्रे बना के इस तरह आप इजीली इसके ऊपर रख के कुछ ना कुछ खा सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है, अभी तक किसी गाड़ी में नहीं आया ये ऑप्शन। और जहाँ तक इसके रेयर कैबिन के अंदर लाइट्स की बात कर लेते हैं, तो ये चेक कर सकते हैं यहाँ पर आपको जो कि सेंसर के थ्रू ऑन होने वाली जो कि लाइट्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको जो कि मैं इसकी रेयर सीट्स दिखा दूँ, यहाँ पे आपको जो कि एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये होनी चाहिए हर गाड़ी में, जहाँ तक आपको आर्मरेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है विद 2 कप होल्डर, चिल्ड्रन आइसोफिक्स सीट्स का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपके पास स्पेस कम है फिर भी, तो वो भी मैं आपको दिखा देगा इसकी स्पेस कैसे बढ़ाते हैं। ये पकड़ें सर, ये हमारे सर पकड़ेंगे हमारा कैमरा और हम उनको बताएंगे इसकी जो कि सीट्स की, अगर आपके पास कम हो जाती है तो यहाँ पर आप इसको ऐसे आगे की तरफ करके पीछे की स्पेस को आप मज़ीद बढ़ा सकते हैं।
तो अभी ये मैंने आपको जिस तरह के आपको पहले बताया है कि इसकी ट्रंक की स्पेस के बारे में, मगर ये आपके पास अगर सीट की स्पेस कम है तो आप इस तरीके से कुछ इसकी स्पेस बढ़ा सकते हैं। इस गाड़ी की रेयर प्रोफाइल के बारे में बात कर रहे थे, इसकी रेयर प्रोफाइल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। आपको कुछ मिलती जो कि मिलती जुलती है LC 300 की तरह मिलती है, मगर इसकी जो कि बैक लाइट्स का डिज़ाइन है ये आपको मिलता है जो कि हैवल जूलियन मुझे थोड़ा सा उस तरीके का मिला, मगर ये कि हर गाड़ी की जो कि बैक लाइट का डिज़ाइन है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे इसके ऊपर जो कि आपको हाई माउंटेन बैक लैंप का ऑप्शन मिल जाता है। उसके अलावा आप देख सकते हैं इसकी बैक लाइट जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह सी टाइप आपको जूलियन के अंदर मिलता था, डिज़ाइन थोड़ा वैसे है, मगर यह है कि इसका लावा लाइट्स में थोड़ा डिफरेंट है, मतलब वो अभी चल नहीं रही इसलिए आपको थोड़ी सी चेंज लग रही है। उसके अलावा इंडिकेटर वगैरह का ऑप्शन, उसके अलावा सेंटर में देख सकते हैं आपको जो कि इसका रेयर कैमरे का ऑप्शन मिल जाता है। सेंटर में आपको किया का जो कि बैज का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे आप जो कि इसका रेयर बम्पर है इसके अंदर आप देख सकते हैं पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। और ये देख सकते हैं इसका रेयर डिफ्यूज़र बम्पर, ये आपको जो कि एस ग्रे कलर में मिल जाता है, जिस तरह के आपको फ्रंट के और साइड्स में इसके जो कि कम्बिनेशन एक किया हुआ मिल जाता था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मैं आपको एक दिखा दूँ, यहाँ पे ऑटो बूट का ऑप्शन भी इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। ये देख सकते हैं इसके अंदर ऑटो बूट जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसके अलावा इसकी जो कि ट्रंक की स्पेस भी मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रंक की स्पेस के अंदर आपको मैं बल्कि कुछ चीज़ें वो भी दिखा दूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो कि पंचर किट, इसके चार्जर और इसके पुल करने के लिए कुछ किट्स आपको मिल जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं हमें क्या मिलता है थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ हमें स्पेस मिलती है कोई चीज़ वगैरह रखने के लिए। एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देख सकते हैं इसके लेफ्ट साइड पे अगर आप कोई मतलब डेजर्ट वगैरह वाली साइड पे गए हैं तो वहाँ पे आपको जो कि ये कितने वाट में मैक्सिमम 250 और 16 एम्पीयर AC आपको इसके अंदर करंट का ऑप्शन मिल जाता है गाड़ी के अंदर, जो कि मेरे ख्याल में एक अच्छी चीज़ है ये भी। अच्छा, एक और चीज़ जो कि मैंने इस गाड़ी में मिस कर रहा हूँ, जिस तरह के ऑटो पिंच होती हैं गाड़ियाँ, तो इसको आप ऑटो भी एक तो क्लोज़ कर सकते हैं, मगर वो जो ऑटो पिंच वाला सीन है ना इसके अंदर मुझे थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा ले जाता है, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर जिस तरह टच होना चाहिए उसी टाइम इसको रिवर्स हो जाना चाहिए। ओवरऑल अगर इसकी बूट क्लोजिंग की बात करें तो वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है। अगर ये देखें ये पिंच के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो कि जोर लगाता है, नीचे खड़े का चाहे कीमा निकल जाए। तो जहाँ तक इसके बोनट की बात कर लेते हैं तो इसके बोनट के अंदर भी आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, जिस तरह की ईवी है। ईवीज़ के अंदर आपको जो कि फ्रंट पे इंजन तो नहीं मिलता, मगर ये है कि वो कहाँ गया इसका, एक तो ढूंढना भी बड़ा मुश्किल है, ये रहा। ठीक है, अच्छा, यहाँ देख सकते हैं आपको जो कि हाइड्रोलिक्स का ऑप्शन मिल जाता है इस गाड़ी के बोनट के लिए, और यहाँ भी देख सकते हैं आपको थोड़ी सी स्पेस मिल जाती है, कुछ ज़्यादा स्पेस नहीं है कि सब्जी सब्जी लेके आप इसके आगे रख सकते हैं। ये देख सकते हैं आपको मतलब नॉर्मल स्पेस मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ भी देख सकते हैं आपको वाइपर वॉशर के लिए पानी वगैरह, और यहाँ पर ये देख लेते हैं किस चीज़ के लिए है। अच्छा, ये आपको रेडिएटर वगैरह के लिए और कूलेंट वगैरह आपको सारे यहीं पे ऑप्शन मिल जाते हैं इसके, और बाकी थोड़े से थोड़े हैं मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको, अच्छा ये हो गया, अच्छा ये ब्रेक ऑयल, यहाँ पे आपको ब्रेक ऑयल का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये इसकी ओवरऑल जो कि फ्रंट बोनट के अंदर स्पेस है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो कि काफ़ी गाड़ियाँ जो नहीं है उसके अंदर नहीं है, मगर इसके अंदर है। अब इसके अंदर है भी या नहीं, बाकियों के अंदर भी होगी, मगर ये कि एक अच्छी चीज़ है जिसके थ्रू मतलब हीट वगैरह ऊपर वाली साइड पर नहीं आती और स्क्रीन वाली साइड पर नहीं आती। तो ये था इस गाड़ी का रिव्यू, जैसा कि मैंने आपको इसके टोटल ईच एंड एवरीथिंग बीच में बताया, जिसके अंदर इसके फीचर्स सारे बताए हैं, इसके इंटीरियर एक्सटीरियर सारे आपको मैंने फीचर्स बताए हैं। इसके अलावा जहाँ तक इस गाड़ी की प्राइस की बात रही, तो इस गाड़ी के अंदर दो वेरियंट हैं, एक जो कि दूसरा वेरियंट है जो कि बेस वेरियंट कह लें, उसकी जो कि प्राइस है 1,85,00,000 समथिंग इसके राउंड अबाउट है, और जो ये गाड़ी है जिस टॉप ऑफ द लाइन वेरियंट है इसकी जो कि प्राइस है 2,30,00,000 या 35,00,000 इसके राउंड अबाउट जो कि इसकी प्राइस है। और इसके अलावा इस गाड़ी के अंदर जितने भी फीचर्स हैं ये आपको मैंने दिखाए हैं, सारे ईवी है गाड़ी। और जहाँ तक इसके डीलरशिप की बात कर लें तो डीलरशिप आपको जो कि मुल्तान के अंदर जो मिलती है वो आपको चौक कुम्हार के करीब मिलती है। इसके अलावा मैं आपको जो कि इनके शोरूम के नंबर हैं वो आपको स्क्रीन पर शो करवा दूंगा, अगर आप बाय करना चाहते हैं तो उनसे कॉन्टैक्ट करके तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक बड़ी मजे की चीज़ मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये मुझे चीज़ बड़ी प्यारी लगी है ये, जो कि अभी तक किसी ईवी के अंदर नहीं है, यहीं से करें, यहीं से इसको क्लोज़ कर लें। और जहाँ तक इस गाड़ी की एवरेज की बात कर लेते हैं, इसकी बैटरी की एवरेज जो कि 620 किलोमीटर आपको एक चार्ज के अंदर देती है, और जहाँ तक इसके चार्जर हैं आपको एक चार्जर भी कंपनी साथ देती है, और वो आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी इन केस के मोटरवे के ऊपर उसकी चार्जिंग खत्म हो गई है तो वहाँ से आप फास्ट चार्जर के थ्रू भी इसको चार्ज करवा सकते हैं, मगर इसकी जो कि चार्जिंग एवरेज है वो मैंने आपको बता दिया कि 620 जो कि चार्जिंग की एवरेज है इसकी एक चार्ज के अंदर। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।